हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलन बोल्ट पर, कि एलन बोल्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके सारे साइजेस के बारे में, किस साइज़ के एलन बोल्ट में हम किस साइज़ की एलन की फिट करते हैं। तो ये सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं एलन बोल्ट के बारे में, कि एलन बोल्ट क्या है और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन किए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। सो गाइज, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ, ये एक एलन की सेट है जिससे एलन बोल्ट को हम ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये एलन बोल्ट है, और यहाँ पर एक वर्कपीस लिया है जिससे आपको दिखाएंगे किस तरह से हम इसको फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं इसको, ये जो बोल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं और कहाँ यूज करते हैं। ये एलन बोल्ट है, इसको हम जब दो प्लेट्स हमें दो पीस को असेंबली दो कोई दो पार्ट्स की असेंबली करनी होती है तो वहाँ पर हम इस तरह के बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि इसका जो ये हेड है, इस हेड को हमें अपने वर्कपीस की जो सरफेस है उसमें अंदर फिट करना होता है, तो उसके लिए फिर हम इस तरह के बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखिए वर्कपीस है, और इसमें देखिए इस प्लेट को हमने यहाँ पर फिट किया, और देखिए यहाँ पर सरफेस की प्लेन है, तो इस कंडीशन में क्या है, हमें इस तरह के एलन बोल्ट का यूज़ करना होता है। एलन बोल्ट को यूज़ करके यहाँ पर हमने काउंटर बोर किया हुआ है, काउंटर बोर करने के बाद इसका जो हेड है वो उस होल में जो बोर किया हमने उसमें फिट हो जाता है। तो इस तरह से हम जब हमें किसी भी वर्कपीस या किसी मशीन के किसी पार्ट की असेंबली कुछ इस तरीके से करनी है तो वहाँ पर हम इस तरह के एलन बोल्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं आगे, हमने इसका बोल्ट की पूरी कंप्लीट एक ड्राइंग बनाई हुई है, उस ड्राइंग में इसके सभी हेड्स और इसके फार्मूले आपको मैं डिस्कस करता हूँ, कि बताते हैं आपको कि वो सभी जो हम इसके फार्मूले, इसकी लेंथ, इसका डायमीटर्स, किस साइज़ के बोल्ट में हमें किस साइज़ की एलन की फ़िट करनी है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम किन फार्मूलों की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने सेम इस बोल्ट का ही पूरी की पूरी कंप्लीट ड्राइंग ड्रॉ की हुई है। इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर ये इसका डी, जिसको बोलते हैं डायमीटर, जो कि बोल्ट में देखिए यहाँ पर ये जो है इसका ये डायमीटर जिस पर ये थ्रेड्स कटी होती हैं, ये हाफ थ्रेड बोल्ट है। गाइस, मैंने हेक्सागोनल बोल्ट पे भी वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से क्या कंप्लीट उसका क्या नोमेनक्लेचर्स होता है, तो अगर वो उसके बारे में भी आप अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी, यहाँ से ये जो है ओवरऑल इसकी लेंथ जो होती है, हेड को छोड़ के आगे का जो पोर्शन है उसको हम लेंथ से डोनेट करते हैं, एल से। तो ये इसकी लेंथ, और जितने बोल्ट में थ्रेड है इसको हम एलन मान लेते हैं। इसके भी फॉर्मूलेज मैंने में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद मेन है इसका जो हेड का नोमेनक्लेचर्स वगैरह है वो क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से इसके अंदर हमने जहाँ पर हम एलन की फ़िट करते हैं तो वहाँ पर देखिए, इस ड्राइंग में हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, तो कितना अंदर गहराई में हमें फ़िट करना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है इसका 0.75 × d। इट मीन्स 0.75 × d, जिस भी साइज का डायमीटर का बोल्ट होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करके इतने जो साइज आएगा उसको हमें इतना डीप अंदर फिट करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो हेड है ये, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो इसको निकालने का फार्मूला है 1.5 × d। तो इस फार्मूले के हेल्प से आप जितने भी डायमीटर हो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसके हेड का साइज़ निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, इसकी जो हेड की थिकनेस, इस जो हेड है इस हेड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए जहाँ पर हमने इस तरह से डोनेट किया है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है 1.25 × d। इट मीन्स हमें 1.25 में मल्टीप्लाई करना होगा उसका डायमीटर। तो आपके बोल्ट की जो हेड की जो थिकनेस है, एलन बोल्ट है उसके जो हेड की थिकनेस है वो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देखें हमने इसकी हेड, अब हमें ये जो आप देखेंगे यहाँ पर अंदर इसमें ये एक हेक्सागोनल की शेप बनी होती है जिसमें हम ये एलन की जो हमारी है इसको फिट करते हैं,
तो यहाँ पे ये किस साइज का बनाना चाहिए, इसकी जो फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, जैसा कि आप मैंने यहाँ पर ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है कि फ्लैट टू फ्लैट कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो है इसको निकालने का जो फार्मूला है वो 0.8 इंटू डी, आप इस फार्मूले की हेल्प से ये निकाल सकते हो कि किस तरह से हम इसको जो साइज़ है इसका एलन की का साइज़ वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको सभी वोल्ट्स के लिए एलन की का साइज़ आपको फाइंड आउट करना है तो आप नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी कंप्लीट आपको लिस्ट मिल जाएगी किस साइज़ में। अब मैं वैसे आपको अभी निकाल के दिखाते हैं किस साइज़ में, किस साइज़ के एलन की वोल्ट में एलन की फिट होती है। अब देखते हैं ये जो है ये है एलन की सेट, अलग अलग जैसे साइज़ मैंने यहाँ पर देखी, ये 12 mm का एक बोल्ट है मेरे पास और ये एक 10 mm का बोल्ट है, ये एक 8 mm का बोल्ट है, ये 8 mm का बोल्ट है एक, और यहाँ पर देखिए ये 4 mm का एक एलन बोल्ट है, यहाँ पर ये 5 mm का एक एलन बोल्ट है, और यहाँ पर ये एक 6 mm का एलन बोल्ट है। अब देखते हैं हम इसमें किस साइज़ की एलन की फिट होती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, देखिए ये 10 mm का जो ये हमारा एलन बोल्ट है, इसमें देखते हैं हमें किस साइज़ की एलन की फिट होती है। तो 10 mm के बोल्ट में हम यहाँ पर देखिए इसमें नंबर्स एलन की सेट में यहाँ पर ये नंबर्स होते हैं, तो 10 mm में जो हमारी ये 8 नंबर की एलन की लगती है, मैं यहाँ से 8 नंबर की इस एलन की को निकालते हैं और देखिए इसके हेड में फिट करके दिखाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम एलन बोल्ट का एलन की फिट करके निकाल सकते हैं किस साइज़ में किस साइज़ के एलन की फिट होती है इस फार्मूले की हेल्प से। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 6 mm का, तो 6 mm पे जो एलन की लगती है आप यहाँ पर देखिए इसमें एलन की सेट में 5 mm यानी 5 नंबर की जो एलन की है वो 6 mm के बोल्ट में फिट बैठेगी, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर देखिए इसमें अगर आप देखें ये जो वर्क पीस है हमारा, इस वर्क पीस में हमने 5 mm का बोल्ट लगाए हैं 5 mm का, और यहाँ पर हम जो एलन की ले रहे हैं वो 4 नंबर यानी ये वाली जो एलन की है 4 नंबर की एलन की लेते हैं, 5 mm में यानी एक साइज़ कम लेना होगा और देखिए ये इसमें फिट होगी। तो इससे हम इसको ओपन अप कर सकते हैं, सो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में एलन बोल्ट किस तरह से एलन बोल्ट का पूरा कंप्लीट नोमेनक्लेचर्स क्या है, एलन की को हम किस तरह से एलन की फिट की जाती है और कहां पर हम एलन बोल्ट का यूज़ करते हैं। आई होप वो दोस्तों आपको ये जो एलन बोल्ट्स को लेके जो भी डाउट्स रहे होंगे सभी क्रैक किए होंगे हमने आज की अपनी इस वीडियो में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। सो गाइस अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।